25 रुपए की सब्जियों को ये देख सकते हैं कितने रुपए का बेचा हूँ। 500 रुपए का नोट, ये दो 200 का है, फिर 5 और 2 7 2 9 2 11 2 13 और 2 15। आलू वाले, टमाटर वाले, करेला वाले, मुनगा वाले। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8 और देख सकते हैं मैं नहा लिया, अभी जो है नाश्ता करना है, फिर आज जो है मार्केट जाने वाले हैं सब्जियाँ बेचने के लिए। और आज बहुत दिन बाद जो है प्रदीप भैया के साथ में जाने वाले हैं, तो बहुत दिन बाद प्रदीप भैया व्लॉग में आएंगे। तो चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद निकलेंगे मार्केट के लिए सब्जियाँ लाने के लिए, और बहुत सारी चीज़ें जो इस व्लॉग में होने वाली है, तो व्लॉग को पूरा ज़रूर देखना। तो भाई साहब 8:30 बज रहे हैं, तो देखिए, अरे ऑटो कैसे ढूंढ रहे भाई, नानी बैठी ऑटो के अंदर। और प्रदीप भैया बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं, जय राम राम राम। पब्लिक को कुछ बोलना चाहो, 15 अगस्त में आप थे नहीं, तो बधाई बधाई अभी बोल दो यार। अब यार पब्लिक लोग को क्या बोलूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत बधाई भाई। हिंदू भैया है ना, वो बहुत आज खुश लग रहा है भाई। अरे मैं तो खुश हमेशा रहता हूँ भाई, बहुत दिन बाद इसके ऑटो में जा रहे हैं। चलो फिर यहाँ से निकलते सीधा तखतपुर मंडी के लिए। चले भैया, कहाँ जाओगे? तखतपुर वाले आ गया। तखतपुर। चलो वहीं जाएंगे हम लोग भी। चलो गाइस फिर निकल रहे हैं तखतपुर। तो भाई साहब पहुंच चुके हैं सब्जी मंडी। चले प्रदीप भैया, सब्जी के एक बार रेट बता दे, तुम लोग का रेट में कल नहीं आ रहे हो? 17-18 तक बिका है भाई। अब आटा, आटा भी वैसे 17-18 तक बिका है। मूली, और मूली है 13-14 तक के बिका है। टमाटर, और टमाटर 350 से 300। अब बरबट्टी भी, बरबट्टी तो 30 से 32 तक बिका है। अरे दादा, मतलब सब सब्जी का रेट बढ़ गया है। भिंडी कितना भैया? 32 रुपए। देखो आज 32। अरे दादा, आज तो मतलब सभी सब्जियों का रेट जो है बढ़ गया है। मात्र एक दिन में मैं जो मंडे को आया था और आज नहीं आया, आज लग रहा है मार्केट में मेरा ना पूरा फट जाएगा, लग रहा है आज मार्केट में। अब पता नहीं यार उधर, चलो देखते हैं, चलो खरीदते हैं और देखते हैं क्या होता है। नाश्ता कराओ भाई, बोले थे ना आप। हाँ भैया, हाँ नाश्ता कराऊंगा तेरे को यार। चलो भाई साहब, देखो मार्केट ना जगह है कि भाटा जो है आज 40 रुपए किलो भाटा बता रहे हैं, 60 बेचना पड़ेगा यार। पूरा मार्केट जगह है, देखो सब्जी ना बहुत कम आया हुआ है आज, तो आया कम क्या, आया ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा सब्जी। मंडी से घूम के अपन देखिए ये कमीशन मंडी की तरफ आ रहे हैं। भाई साहब आज मंडी में ना सब्जी नहीं आया है, उस वजह से देखो इतना ज़्यादा, मतलब यहाँ बिलासपुर से भैया लोग लाए हैं, पूरा लेने वालों की खतरनाक यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, देखो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़। सब्जी लेने के लिए पूरा, मतलब लेने वाले ज्यादा है लेकिन सब्जी जो है कम है, क्योंकि दो दिन से ना बाढ़ आ गया तो सब्जी डूब गया है, तो बर्बाद हो गया। करेला का बोली शुरू होगा, देखो 28 रुपये। यहाँ से करेला खरीदा 29 रुपये। तो भाई साहब सब्जियाँ खरीद लिया प्रदीप भैया, आज तो मार्केट बहुत ज़्यादा टाइट था, सब्जी ही आया नहीं था, तो 5000 खत्म हो गया यार। तो निकलते फिर यहाँ से। तो भाई साहब मार्केट से पहुँच चुके हैं घर और 11 बज रहे हैं, बहुत जल्दी आ गए मार्केट में ना, मतलब क्या बताएं, सब्जी आया नहीं था, बहुत कम सब्जियाँ जो है आज मार्केट में आया था, इस वजह बहुत ज़्यादा रेट जो है अभी मतलब बढ़ गया है थोड़ा सा। ये मार्केट है, कभी अप कभी डाउन होते रहता है, तो सब्जी मतलब लिया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट था और इधर बिकता नहीं है मार्केट में, क्योंकि गांव के लोगों के पास पैसे की थोड़ी सी कमी होती है, तो ज़्यादा रेट में खरीदते भी नहीं हैं। लगभग 1200 रुपये का आलू और 4 रुपये 800 रुपये टमाटर, 12-8 2000 और 450 रुपये का करेला, 2450-50 रुपये किराया, मतलब 2500 रुपये का फिर भी सब्जियाँ जो है बन गया, मात्र 3 आइटम जो है ना। तो देखते हैं अब 2500 रुपये की सब्जियों में कितने का प्रॉफिट जो है होता है। तो चलो अब जो है खाना वाना खाता हूँ मैं, फिर रेस्ट करेंगे, अब सीधा मार्केट जाने के टाइम आप लोग से मिलते हैं भाई। तो भाई साहब 3 बजने वाले हैं अभी,
और अपन आराम करके उठ गया। सामान वामान को देख सकते हैं, पीछे जो है पूरा पैक कर लिया है मार्केट जाने के लिए। बस इंतज़ार हो रहा है अपने प्रदीप भाई के ऑटो लेके आने का। करते हैं फटाफट जोड़े भाई, फटाफट यार। हाँ भाई, हाँ हाँ। अरे दाई नहीं आते क्या? गाइस नानी को बुला लेते हैं, पता नहीं कहाँ चले गए दाई। हाँ चला आवा थे, नानी भी आ रही भाई साहब। चलो चलो, आज जो है मार्केट साथ में ना, नानी भी जा रही है तो बढ़िया लग रहा है। चलो मजा आता है, हर तू रहता है पब्लिक में, भयानक खुश रहता है। ये भांजा है प्रदीप भैया का, भांजा मेरा भी भांजा भाई। यार यार हमारा भांजा आया है भाई हमारे साथ। प्रदीप मामा के गाड़ी में कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। चलो फिर। तो भाई साहब फाइनली पहुंच चुके हैं अपन नगोई गांव, और अभी तो गाड़ी के अंदर हूँ, बाहर उतरा ही नहीं हूँ। ये देखो यही जो है अभी मार्केट लगेगा, पूरा खाली है। चलो सामान को गाड़ी से जो है नीचे उतारते हैं और दुकान उकान लगाते हैं अपना भाई। तो भाई साहब मैंने पूरा दुकान अपना लगा लिया है। ये देखो आज सामान तो ज़्यादा लाया नहीं हूँ, सिर्फ आलू करेला टमाटर। और मार्केट देख सकते हो पूरा बहुत कम सामान मिल गया। मार्केट में ना सामान वहाँ मिल ही नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा महंगा था, इस वजह से बहुत कम सामान जो है आज आया हुआ है। देखो दादी जो है एकदम हंस रही है भाई। अरे कस्टमर आ गया, कस्टमर आया भाई दुकान पे। चलो सामान बेचते हैं अपना। कहाँ का देना है चाचा? करेला। हाँ कितना के जी दे दो? आधा किलो। हाँ ठीक है, आधा के जी करेला। तो भाई साहब कस्टमर आ गया था लेकिन चला गया। आधा किलो करेला लिया 20 रुपए का बोगनी जो है हो गया दुकान में। चलो पहला कस्टमर। तो चलो मार्केट घूम के आते हैं भाई। ये देखो भाई पूरा मार्केट लग चुका है। सब्जी का रेट 30? भाटा 30? भाटा 30 रुपए किलो। आलू 30? प्याज 20? प्याज 20 रुपए किलो, आलू 30 रुपए किलो। बढ़िया, जस्ट मेरे पीछे दुकान। चलो घूम के आते भाई इधर से और आगे। और मामा क्या क्या रेट है सब्जी? आलू 30 रुपए, टमाटर 30 रुपए, आलू टमाटर 30, करेला 40, और भाटा 30। ओए अरे प्याज ले रहे हैं भाई, नानी बोल रही है प्याज लो करके। ये देखो इनसे प्याज खरीद रहे हैं जो भी अभी। ये देखो ये देखो प्याज ले लिया 4 किलो घर के लिए, यहाँ रख दो। ये प्याज ले लिया भाई, नहीं है ना? हाँ तो ठीक है ना, हो जाएगी, इतना में हो जाएगा। तो चलो अब अपन अपने दुकान पर बैठते हैं और सब्जियाँ बेचते हैं भाई साहब। देखो पूरा एकदम झुंड लग गया है, क्या लेने के लिए क्या काय मामा होती, काय भीड़ लगेगा, काय भीड़ लगे होती। मछली है? अरे मछली लेने के लिए भीड़ लग गया भाई, सब्जी खाने वाले कोई है नहीं, और मछली खाने के लिए देखो कितना भीड़ है, खतरनाक। वैसे मेरे यहाँ देखो आलू के लिए सिर्फ एक कस्टमर, वहाँ मछली के लिए 4-5 कस्टमर दिख रहे हैं पूरा। भाई साहब देखिए कस्टमर आने अपने शुरू हो गए दुकान पे फाइनली। आधा किलो मात्र? आ जाओ भाई करेला टमाटर आलू वाले। ये करेला हो गया, आलू 30 भैया 30 आलू वाले टमाटर वाले करेला वाले मुनगा वाले। तो भाई साहब अभी शाम के बज गए 7 और पूरा मार्केट देखो अंधेरा अंधेरा दिख रहा होगा। सामान को मैंने अपना पूरा उठा लिया है और सिर्फ आलू बचा है बस, और कोई सब्जी तो बचा नहीं है। तो चलिए अब यहाँ से निकलने वाले हैं, सामान को अपने ऑटो में पैक करते हैं। और मनोहर भैया कैसा था मार्केट? मार्केट मस्त था भैया, मस्त था। हाँ सब बेच गए, थोड़ा बचा मात्र। तो चलो सामान को जो है देख सकते हैं ऑटो खड़ा है पीछे, इसमें भरते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं भाई लोग घर के लिए।
तो भाई साहब मार्केट से पहुंच चुके हैं घर। प्रदीप भैया जस्ट अभी भी छोड़ के चला गया यार, तो चलिए चलते हैं अब घर के अंदर, हाथ पैर धोते हैं, खाना वाना खाते हैं। चलो भाई लोग, अभी रात के 9:45 हो रहे हैं और अभी जो है मैं जस्ट खाना खा रहा था, खाना खा के आया अपने रूम पे। सब्जियों की भी बात कर लेते हैं, तो गिना नहीं कितने रुपए है। ये देखो पर्स की भी हालत गंभीर हो गई है, नया पर्स मेरे को लेना पड़ेगा आज। भाई साहब देखो 2450 रुपये, और 50 रुपये प्रदीप भाई का भाड़ा बन जाता है, मतलब 2500 रुपये टोटल मिला के 2500 रुपये का सब्जी लेके आया था। और 2500 रुपये की सब्जियों को ये देख सकते हैं कितने रुपए का बेचा हूँ। 500 रुपए का नोट, ये दो सौ का है, फिर 5 × 2 = 7, 2 × 9 = 11, 2 × 13 = 15, फिर 100 का 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 रुपए। ये 2500 रुपए, ये 2500 रुपए हो गए अपने मूर, मतलब जितने की सब्जी लेके आए थे। और मात्र इतना जो पैसा देख पा रहे हैं, पता नहीं कितना गिन ले रहा हूँ भाई, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 120 रुपए। मतलब 2500 की सब्जियां लाया था, 120 रुपए का प्रॉफिट जो आज हुआ है। और ज़्यादा सब्जियां ही नहीं था यार, तो कहाँ से प्रॉफिट होता है। तो 10 किलो के आसपास आलू बच गया है, मतलब जितना प्रॉफिट है वो बचा है। 10 किलो आलू मतलब 20 रुपए किलो भी मान के चलो तो 200 रुपए उसमें वो बनना है, लेकिन अब वो बिकेगा तब पता चलेगा। 120 रुपए का प्रॉफिट जो है हुआ है, ठीक है कोई नहीं। मेहनत करने के बाद मेहनत का 120 रुपए भी बहुत है यार, इससे भी मतलब बहुत खुशी मिलती है, मेहनत का फल है। अभी तक तो वीडियो को जो है अब एडिट करने बैठता हूँ, चलो पहले जो है वीडियो को एडिट कर लेते हैं, फिर एडिट करने में कितना टाइम लगता है देखते हैं। अभी 9:45 हो रहे हैं और कितने बजे तक वीडियो अपना एडिट हो पाता है। तो भाई साहब अभी जो है रात के 11 बज रहे हैं, लगभग 10 मिनट कम है 11 बजने में, 10:50 हो गए हैं, और वीडियो जो है फाइनली ले दे के थोड़ा बहुत एडिट हो गया है। और सवेरे उठ के फिर उसमें थंबनेल टाइटल वगैरह लगाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद। तो गाइस आई होप आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आज की वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।